5, 4, 3, 2, 1। अध्यक्ष महोदय, मैं आशा करता हूं कि इस सदन के लिए यह अंतिम अवसर होगा जबकि इस संविधान में इस आधार पर यह संशोधन करने का अवसर आया है। इसलिए मैं आशा करता हूं कि इसकी जड़ में जाने के लिए हमारे सदन को और सरकार को एक हिम्मत होगी। हिम्मत की बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि हम में से अधिकांश लोग इसी समाज में आते हैं और हम जानते हैं कि जिनके हाथ में संपत्ति है उन्हीं के द्वारा यह अछूत और छूत का रोग फैला हुआ है। यह वर्णाश्रम नहीं है, हमारे यहाँ यह धनाश्रम धर्म है, संपत्ति पर आधारित है और इसके लिए मैं इतनी ही आशा कर लेता हूँ कि आज अभी जो देश के विभिन्न भागों में जमीन कुछ हाथों में केंद्रित है, जब तक जमीन के एकाधिकार को हम नहीं तोड़ सकेंगे जो कुछ लोग सैकड़ों और हजारों एकड़ रखे हुए हैं, जिनमें अधिकांश सदस्य भी इस सदन में सम्मिलित हैं, तब तक यह समस्या हल नहीं होगी। इसलिए मैं यह कह रहा हूं कि सदन को भी हिम्मत होगी कि आज जिस तरह से हमने लगभग एक मत से इसको स्वीकार किया है, भूमि सुधार का प्रश्न जिसकी चर्चा उठी है और हम उठाएंगे कि जो जोतने वाला है, जो खेत पर मेहनत करता है, जिसमें 100% हरिजन तो हैं ही, आदिवासी भी हैं, तो जो मेहनत करता है जमीन पर उसका अधिकार होगा। सदन को यह हिम्मत होगी कि वह इस चीज को करे, यह मैं आशा करता हूं, और नहीं होगी तो मैं समझता हूं कि यह हमारे लिए एक ढकोसला होगा। यही आग्रह मैं सभी लोगों से करता हूं कि भूमि के प्रश्न को सुधारे बिना अछूतोद्धार नहीं होने वाला है और न राष्ट्रीय उत्थान होने वाला है। मैं चाहता हूं कि वह शांति से हो, इसीलिए मैं यह आग्रह कर रहा हूं, नहीं तो अशांति फूटेगी। लेकिन हम चाहते हैं कि शांति से हो, इसलिए मैं फिर आग्रह कर रहा हूं कि दल और पार्टी की दीवार तोड़कर हम इस प्रश्न को लें और केंद्रीय सरकार भी हिम्मत करे। प्रधानमंत्री प्रतीक्षा में न रहें कि कुछ और लोग इधर से चले जाएंगे तो वह करेंगी और लोग जाएंगे तो वह कठिनाई में फंस जाएंगी। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि यह अवसर है।